गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इट इज़ अ लेक्चर नंबर सेकेंड। अपन आज लेक्चर नंबर सेकेंड जो है स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को प्लेन मिरर के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज जो अपन स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखो स्टूडेंट, इससे पहले अपन ने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था, और प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। जब अपन बात करते हैं एक स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जो है वो दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है स्टूडेंट्स उसे अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर या कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और सेकंड जो होता है स्टूडेंट्स इसको अपन कहते हैं कॉनवेक्स मिरर। कॉनवेक्स मिरर कहलाता है स्टूडेंट्स। यहां अपन देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनवेक्स मिरर क्या होता है। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस तरह की एक मिरर, यानी इस टाइप का जो मिरर होता है जो कि थोड़ा सा राउंड होता है वो क्या कहलाता है, आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कहलाता है। और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के अंदर जो बाहर वाली सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस बाहर की, ये जो सरफेस है स्टूडेंट्स ये सरफेस कहलाती है कॉटेड सरफेस। इसके ऊपर कोटिंग की जाती है स्टूडेंट्स, ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है। और ये वाली जो अंदर वाली सरफेस होती है, जो इनर सरफेस है, ये सरफेस कहलाती है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टेड सरफेस। कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और यहाँ पर बाहर वाली जो सरफेस है वो कॉटेड सरफेस है। जिस तरह से ये कॉनकेव, कॉनकेव मतलब ये इस तरफ से है ना, तो यहाँ अपन ये बात कर रहे हैं कि कॉनकेव मिरर जो होते हैं उसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है और आउटर सरफेस कॉटेड सरफेस है। जस्ट इसके अपोजिट जैसे ये, ओके, यहाँ ये जो सरफेस है इनर सरफेस ये कोटेड सरफेस होती है स्टूडेंट्स। ये जो सरफेस है अंदर वाली, अब ये क्या कहलाती है, यहाँ पर ये कोटेड सरफेस कहलाती है। इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, और ये जो सरफेस होती है स्टूडेंट्स इसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट्स। यहाँ अंदर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड है, और यहाँ पर जो बाहर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर अपन मान लीजिए एक टेबल स्पून लेते हैं स्टील का, हाईली शाइनी वाला होना चाहिए, हाईली शाइनिंग या हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। जब उसे अपन लेते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ अपन ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक टेबल स्पून है, इस टेबल स्पून के अंदर देखते हो स्टूडेंट एक जो होता है थोड़ा कर्व बना हुआ होता है और एक जो होता है बाहर की सरफेस होती है। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो कर्व होती है ये तो क्या कहलाता है, कॉनकेव, ये कहलाता है कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मिरर, और ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं कॉनवेक्स। तो जो टी स्पून है, जो टेबल स्पून है, उस टेबल स्पून के अंदर दोनों ही टाइप के मिरर प्रेजेंट है, कॉनकेव और कॉनवेक्स दोनों ही टाइप के जो है स्फेरिकल मिरर प्रेजेंट होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने से पहले इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं
उनको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं उसकी सारी जो है डिफाइन आपको लिख के बता दूंगा कि ये जो है हर एक पॉइंट की डिफाइन होती है। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो अपन ये समझते हैं कि इसे स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये एक स्फेयर है, ये एक होलो स्फेयर है। इस होलो स्फेयर, ग्लास का एक होलो स्फेयर लिया, उस होलो स्फेयर को लेने के बाद यहां से क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। और कट करने के बाद अपन क्या करते हैं, इसकी एक जो कट करने के बाद ये जो अपन को सरफेस मिली है, ये वाला हटा दिया अपन ने, कट करने के बाद ये पोर्शन हटा दिया। अब केवल अपने पास कौन सा पोर्शन है स्टूडेंट्स, ओनली ये पोर्शन अपने पास प्रेजेंट है। अब इस पोर्शन में भी अपन ने क्या किया, एक साइड जो बाहर वाली साइड थी, उस बाहर वाली साइड पर आपने क्या कर दी, कोटिंग कर दी ब्लैक कलर की, और जो अंदर वाली सरफेस है उसको हाईली पॉलिश्ड कर दिया। ठीक है, तो ये वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस बन गई, और ये वाली जो है वो आपके कोटेड सरफेस बन गई, अनरिफ्लेक्टेड। यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हमेशा जो सरफेस, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वहीं से होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब अपन देखते हैं कि यहां से, अच्छा देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, जब अपन बात करते हैं, ये एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अपन कहते हैं स्टूडेंट पी, पी यानी कि पोल, इसको अपन कहते हैं पोल। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो कौन सा है स्टूडेंट, पोल। पोल का मीन्स ये होता है द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर का, चाहे ये वाला पॉइंट हो, या चाहे इस टाइप का स्फेरिकल मिरर हो, चाहे इस टाइप का स्फेरिकल मिरर हो, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, पी, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे अपन पोल से या पोल कहते हैं, और इसका मीन्स क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर या स्फेरिकल मिरर आर कॉल्ड पोल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि जैसे वापस मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, कि ये इस तरह से एक स्फेरिकल मिरर है। अच्छा, ये होलो स्फेरिकल मिरर है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई ना कोई इसका एक सेंटर पार्ट होगा, ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का कोई ना कोई एक सेंटर पार्ट होगा। इस सेंटर पार्ट को अपन स्टूडेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास सेकेंड जो पॉइंट हो गया ये तो हो गया पी, और दूसरा कौन सा हो गया, सेंटर, इसे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। या इसी को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सीधी सी सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर आपके पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर के अंदर यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, और इस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो इस कर्वेचर को घुमा रहा है, जो बना रहा है, वो इसका सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अगर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पी से मिल जाती है, जैसे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पॉइंट पी पर मीट कर रही है, मिल रही है इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि सी और पी, सी पी, यहां तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है, आर, यानी कि क्या हो जाता है, ये रेडियस, ये इस स्फेयर की रेडियस हो जाती है। तो इसीलिए अपन इसको क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, अब अपने पास ये एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है। अब इस कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के अंदर अपन ये देखते हैं कि ये जो लाइन होती है,
जो लाइन सी से लेकर के पी तक है ये लाइन क्या कहलाती है? इस लाइन को अपन कहते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल्स टू क्या हो जाता है? सीपी। यानी ये जो सीपी है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सी और पी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से शुरू होती है और पॉइंट पी यानी कि पोल तक चलती है, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स यहां पर एक जो पॉइंट होता है फोर्थ पॉइंट, उस पॉइंट को अपन कहते हैं फोकस, फोकस पॉइंट। और फोकस पॉइंट जो होता है स्टूडेंट्स इसको अपन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस पॉइंट जो होता है उसे अपन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और रेडियस, और जो रेडियस है आर, इस रेडियस के अंदर ये जो रेडियस है ये रेडियस का जो हाफ होता है, रेडियस का जो हाफ होता है वही क्या कहलाता है? जो है फोकस पॉइंट कहलाता है। मैं एक बार आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ कि फोकस पॉइंट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट ऐसा होता है कि इसमें एक लॉ, एक रूल फॉलो होता है, इमेज फॉर्मेशन का रूल है ये, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको फोकस को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रूल क्या है। कि यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई लाइट रे, जैसे मान लीजिए ये एक लाइट रे जो है वो यहाँ से यहाँ पर जा रही है, लाइट रे जा रही है, ये लाइट रे इस तरफ इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है, यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो लाइट रे है ये इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर अपन ये कहें कि कोई लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, समझ में आ रहे ना, कि लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर इंसिडेंट, सॉरी आफ्टर इंसिडेंट, यहां पर क्या होता है कि ये जो आपका मिरर है इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो जाती है? यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी ये इस तरह से बाहर की तरफ जाने लग जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए एक इंसिडेंट लाइट रे यहाँ से भी जा रही है तो ये इंसिडेंट लाइट रे भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये भी क्या करेगी? आफ्टर इंसिडेंस ये भी क्या करेगी? यहां से इस पॉइंट से होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट ये जो पॉइंट है जहां पर कि सभी लाइंस जो हैं वो क्या होगी, अगर जितनी भी लाइंस हो, मैंने तो अभी यहां पर दो लाइंस बताई है, अगर इससे ज्यादा भी लाइन होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, अगर लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर इंसिडेंट वो जिस पॉइंट से पास आउट होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट से पास आउट होती है वो पॉइंट क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये पॉइंट कहलाता है एफ यानी फोकस, फोकस कहलाता है। अच्छा अब देखो यहां पर इसका नेम क्या है स्टूडेंट? कॉनकेव मिरर है। और इसको अपन एक और नेम से भी जानते हैं, इसको अपन कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है स्टूडेंट, कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। अब कन्वर्जिंग मिरर का मींस ये हो गया कि एक जगह पर कन्वर्ज करना, एक जगह पर इकट्ठा करना। जैसे ये लाइट रे है, ये लाइट रे यहां से आई, इसको इसने, इस मिरर ने क्या किया, इस लाइट रे को, ये जो लाइट रे जा रही है इस लाइट रे को इस मिरर ने यहां पर इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इसी तरह से ये लाइट रे है इसको भी यहां पर कन्वर्ज कर दिया। तो इसीलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे होती है उसे एक फिक्स पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देते हैं, मर्ज करा देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इसीलिए ये मिरर क्या भी कहलाते हैं? ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाते हैं।
तो अब आपको यहाँ पर ये पता चला कि ये जो फोकस होता है उसका मींस क्या होता है। फोकस का मींस ये है, या फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर, या प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, आफ्टर इंसिडेंट उस पॉइंट पर यानी फोकस पॉइंट पर मर्ज करती है या मिल जाती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट कहलाता है। इसे अपन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैपिटल एफ है यहाँ से लेकर के ये जो पी है पोल, यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, इसे अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है अपना फोकल लेंथ, इसको अपन फोकल लेंथ कहते हैं। ये कितना होता है? एफ पी, है ना, और इसे अपन जो है स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस पॉइंट को तो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फोकस फोकल लेंथ होती है उसे अपन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है, फोकस पॉइंट जो होता है या फोकस जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर के लिए अलग होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिफरेंट होता है। इन दोनों के लिए जो डिफाइन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जब अपन कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव मिरर में अपन ने ये कहा कि फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है या प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जो कि अगर कोई लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो, आफ्टर इंसिडेंट वो फोकस से होती हुई गुजर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, है ना, यहां पर एक्चुअल में होता है यानी एक्चुअली मीट करती है फोकस पॉइंट पर, एक्चुअली मीट करती है। देखो यहां से यहां जा रही है, एक्चुअल में जा रही है, अपन ने नहीं बढ़ाया है किसी भी लाइट रे को। यहां पर जो हो रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है, यानी कि हमेशा ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ अपन ने ये देखा कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस पॉइंट क्या है और फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, फोकल लेंथ को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ और आर में एक रिलेशन होता है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू होता है, ये एक रिलेशन निकल के आता है। हमेशा f इक्वल टू क्या होता है? r बाई टू होता है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, c से लेकर के p तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, इसे अपन ने क्या कहा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, यानी r कहा था। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r था, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा रेडियस का आधा होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिक्स पॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं अपरेचर। ये कहलाता है अपरेचर। अपरेचर, अपरेचर का मींस ये होता है स्टूडेंट्स कि यहां से ये करके यहां तक का जो लेंथ होता है, इस स्फेरिकल मिरर की जो एक्चुअल लेंथ होती है जहां पर रिफ्लेक्शन होता है या जहां पर जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, जो टोटल लेंथ है, वो क्या कहलाती है स्टूडेंट? एपरेचर कहलाती है, या इसे अपन कर्वेचर भी बोलते हैं, बहुत सी बार एपरेचर भी कहलाती है ये। तो ये जो है कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की डिफाइन अब मैं लिख रहा हूँ, उन्हें आप भी अच्छे से लर्न कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा नंबर या एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन डिफाइन के ऊपर। तो चलिए अपन लिखते हैं अब इनकी डिफाइन को। अभी अपन ने केवल और केवल कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है, कॉन्वेक्स के अंदर नहीं पढ़ा है। यस स्टूडेंट, तो ये सारी जो है आपके सामने कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी, कि लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर जो जॉइनिंग लाइन होती है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एड कर देती है, जोड़ देती है, यानी कि सेंटर पार्ट को जोड़ देती है। पोल
द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंट्रल पॉइंट जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एपरेचर द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, यानी जो टोटल लेंथ है या जो विड्थ है, टोटल जो एरिया है रिफ्लेक्टेड एरिया, वो क्या कहलाता है, एपरेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर, जो आपके पास होलो ग्लास स्फीयर है, विच द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सेंटर कर्वेचर, यानी कि उसका जो सेंटर होता है किसी भी होलो ग्लास का, स्फेरिकल का जो सेंटर पार्ट होता है, वही क्या कहला रहा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला रहा है। इसे अपन कैपिटल सी से या सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीन्स क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सी, सी से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, जिसे अपन ने पी सी से रिप्रेजेंट किया था, उसे आर कहते हैं, यानी आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। फोकस पॉइंट, मैंने आप लोगों से कहा था कि फोकस पॉइंट जो होता है वो दोनों के लिए डिफरेंट होता है, कॉनकेव मिरर के लिए डिफरेंट है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिफरेंट है। यहाँ अपन बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर की। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट वेयर ऑल पैरेलल रेज, जिस पर सारी पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, है ना। अब जब अपन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं पैरेलल कॉनकेव मिरर के लिए, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे मीट एक्चुअल, यहाँ पर वर्ड आ जाएगा एक्चुअल, मीट एक्चुअल आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर एक्चुअल में मीट हो रही है, एक्चुअल वर्ड अगर अपन यहाँ पर लिख देते हैं, जो मीट है इस मीट के बाद अपन यहाँ पर मीट और आफ्टर के बीच में अगर यहाँ पर अपन एक्चुअल वर्ड लिख देते हैं, तो मीन्स ये किसके लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये डिफाइन हो जाएगी कॉनकेव मिरर के लिए। और अगर अपन यहाँ पर एक्चुअल ना लिख करके यहाँ पर अपीयर्स लिख देते हैं, मीट अपीयर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स, यानी ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर के लिए कहलाएगा। देन उसके बाद लास्ट है फोकल लेंथ। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, फोकस पॉइंट और पोल से लेकर के बीच का जो डिफरेंस है, वो स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आर बाई टू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशन बताइए फोकल लेंथ और रेडियस के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।